हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिक कोर्स लेके आए हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो और अपना अच्छा करियर बना सकते हो। आज हम माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड और इंटरेस्टिंग कोर्स है। इस फील्ड में आप आ सकते हो, अपना अच्छा खासा करियर बना सकते हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तरस साहू। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस कर दें, ताकि जो अपकमिंग वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। हमारा इस चैनल के माध्यम से छत्तीसगढ़ के जितने भी कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में पूरी जानकारी दिया जाता है और जो भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह है उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचाया जाता है। तो आज हम बात करेंगे बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के बारे में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कोर्स है। कोर्स के बारे में बात करेंगे, उसका बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा और इसकी कॉलेजेस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का वीडियो है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं माइक्रोबायोलॉजी, जिसे सूक्ष्म विज्ञान कहते हैं। इसे हम खुली आंखों से नहीं देख सकते, इसके लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। माइक्रोस्कोप से हम इसे देखते हैं। जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उसकी पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ती है या फिर हमारे आसपास में पड़ती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, समझते हैं और जो भी रोकथाम कर सकते हैं उनसे बचने का जो उपाय है उसको ढूंढते हैं। तो यह माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत आता है, तो इसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है। और दूसरा जो हमारा टॉपिक है वो है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें हम जीवित बैक्टीरिया, वायरस के बारे में पढ़ाई करते हैं, जो हमारे आसपास रहती है और हम पे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के प्रभाव डालती है। इसे भी देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। और हमारे शरीर में बहुत सारे तत्व है जो घुले हुए होते हैं, इसमें हम चेक करते हैं, जिसमें बहुत सारे सैंपल लिए जाता है बॉडी का और उसके बाद बॉडी का एनालिसिस करके उसमें जो भी बैक्टीरिया, वायरस या फिर जो भी तत्व है उसके बारे में पता लगाया जाता है। यह बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आता है। तो इस फील्ड में भी आ सकते हो, इसमें भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, अच्छी खासी ऑप्शन है आपके पास। इसके बाद हम बात करते हैं हमारा जो तीसरा मुख्य टॉपिक है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड कोर्स है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर कोर्स है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी से बहुत सारे दवाइयाँ, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिसे हमने हाइब्रिड बनाया और बहुत सारे जो जानवर है उसमें ब्रीड सुधार का जो काम है वो बायोटेक्नोलॉजी की बदौलत है। हमें हर मौसम में सब्जियाँ मिल जाती है, हर मौसम में फूल मिल जाता है, हर मौसम में हमें फल मिल जाता है, तो बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसने बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर में सुधार किया है और आगे भी कर रहा है, तो इस फील्ड में भी आ सकते हो। बायोकेमिस्ट्री भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यह हुआ कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो आप YouTube में सर्च कर सकते हो। YouTube में बहुत सारे क्रिएटर हैं जिन्होंने अच्छे से इसको विस्तार में बताया है। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरे टॉपिक में वीडियो बनाना होता है, मैं कॉलेज के बारे में ज्यादातर बताता हूं। तो आज हम बात करेंगे जो तीनों कोर्स है वो कहां कहां मिलेगा, मोस्ट पॉपुलर जो कॉलेजेस है उसके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में कितने कॉलेज है जहाँ ये कोर्स होती है। तो छत्तीसगढ़ में बहुत सारे कॉलेजेस है जहाँ ये कोर्स होती है। तो इसमें हम जो टॉप पॉपुलर कॉलेज है उसके बारे में बात करेंगे जहाँ ये कोर्स है। तो साइंस कॉलेज रायपुर में यह कोर्स है, यहाँ आपको बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी का ऑप्शन मिलता है। तो साइंस कॉलेज रायपुर में आप पढ़ाई कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री में, ठीक है। तो उसके बाद साइंस कॉलेज जो कि दुर्ग में, बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन है। तो साइंस कॉलेज दुर्ग में भी आप पढ़ाई कर सकते हो बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी में। उसके बाद बात करते हैं साइंस कॉलेज बिलासपुर। साइंस कॉलेज बिलासपुर में आपको बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन मिलता है, तो आप साइंस कॉलेज बिलासपुर में भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ भी आपको अच्छी खासी ऑप्शन मिलता है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी का ऑप्शन है। उसके बाद हम बात करते हैं कल्याण पीजी कॉलेज जो कि भिलाई में स्थित है, यहाँ आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी तीनों का ऑप्शन मिलता है। तो आप इस कॉलेज में पढ़ाई कर सकते हो, कल्याण कॉलेज भिलाई में, कल्याण कॉलेज भिलाई, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डीपी विप्रा कॉलेज बिलासपुर। अभी जितने भी कॉलेज का नाम बताया हूँ, साइंस कॉलेज और कल्याण कॉलेज, या गवर्नमेंट कॉलेज में आता है। डीपी विप्रा कॉलेज जो कि बिलासपुर में स्थित, यह प्राइवेट कॉलेज में आता है, तो आप यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हो। यहाँ आपको बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी तीनों सब्जेक्ट मिलते हैं, तो आप इस कॉलेज में भी पढ़ाई कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं आईटीएम यूनिवर्सिटी जो कि रायपुर में स्थित है, इस कॉलेज में आपको बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी दोनों सब्जेक्ट मिलते हैं, तो आप यहाँ भी पढ़ाई कर सकते हो। वैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं जिसमें आप पढ़ाई कर सकते हो, तो यह टॉप जो पॉपुलर कॉलेज है जहाँ आपको यह सब्जेक्ट मिलता है, तो आप यहाँ पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हो, आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैं वहाँ भी आपके सवालों का जवाब देता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं किसी न्यू टॉपिक में, किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।